नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चंद रुपयों के लेन देन को लेकर विगत रात्रि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांधीगंज में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। हथियारों से लैस कुछ युवकों ने गत 27 मार्च की देर रात लगभग 9:30 बजे 3 युवकों को घेर कर हमला कर दिया। मारपीट करते हुए युवकों ने एक युवक के पेट में चाकू घोंप दिया, जबकि दूसरे के सर पर बोतल मारकर उसका सिर फोड़ दिया। घटना के बाद घायल युवकों को इलाज के लिए शासकीय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चाकूबाजी का शिकार हुए युवक को सघन उपचार के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि गांधीगंज रावत गली निवासी 19 वर्षीय साहिल पिता नरोत्तम निषाद अपने साथी आशीष सोंदिया व एक अन्य युवक के साथ रात लगभग 9:30 बजे घर लौट रहा था। इसी दौरान मृतक निषाद विक्की कुशवाहा, वासु चौरसिया और भालू चौरसिया ने रुपयों के लेन देन को लेकर उन्हें रास्ते में रोककर विवाद शुरू कर दिया। मारपीट करते हुए उक्त युवकों ने साहिल के पेट में चाकू मार दिया, जबकि आशीष के सर पर बोतल मारकर उसका सर फोड़ दिया। घटना के बाद दोनों को घायल अवस्था में शासकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद साहिल की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है।